शांति ओम शांति ओम शांति ओम। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी ये पुरुषार्थ किया, हम लोग बाबा की हिस्ट्री में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अब कानपुर तो नगरी वैसे मम्मा पापा की रही है, तो बहुत पुराने रत्नों से मिलना होता रहा है, तो बहुत अनुभव की बातें आप सभी को मालूम मिली थी। लेकिन फिर भी एक बात जो मुझे बाबा की याद आती है कि बाबा 90 साल के थे, 90 साल के, लेकिन फिर भी बाबा को हमेशा क्या रहता था, बाबा को हमेशा ये रहता था कि मैं जाकर के क्या करूँगा, मिचलू बनूँगा। तो बाबा लिटरली कमरे के अंदर जब अकेले हुआ करते थे तो बाबा कमरे के अंदर उछल उछल कर खगियाँ मारा करते थे। तो उनको वो याद आता था कि अरे मैं मिचलू बनने वाला हूँ। फिजिकली वो उस चीज़ को महसूस किया करते थे। जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ बाप कहीं चले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, माँ बाप की ड्रेस पहन लेते हैं और कहेंगे अच्छा तू ना मम्मी बन जा, मैं पापा बन जाता हूँ। फिर क्या करेंगे, मम्मी पापा बनते, मम्मी पापा बनके मम्मी पापा का रोल करेंगे, मम्मी पापा के लिए भोजन तक बना कर रख लेंगे, होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चे भी, चलते चलते बातें तो तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन पहले से अगर हमारी प्री प्लानिंग होती है और हम अपने स्वमान में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने हमें एक टाइटल नहीं दिया है, बहुत सारे कैटलिस्ट दिए हैं। बाबा ने हमें बोला बच्चे तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो। अब मानो हम सुबह उठे, उठ करके हमने यहाँ आना शुरू किया, तो हम ये सोचते हुए आ सकते थे ना कि अच्छा आज मुझे रोल मिला है विश्व परिवर्तक का, मैं आत्मा एक लंबे रास्ते पर निकली हूँ इस रोल को प्ले करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए। तो जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया उतने डिस्टेंस में मैंने अगर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाए तो वह एनवायरनमेंट में फैलेंगे या नहीं फैलेंगे। क्योंकि जैसा हम विचार क्रिएट करते हैं, जैसा हम विचार क्रिएट करते हैं उसी से वाइब्रेशन बनता है, और वही वाइब्रेशन हमारे वातावरण को बदलता है और साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारे शरीर पर उसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है।